तो अब मेरा गाना सुन लीजिए आप, अगर आपको सुनना है तो, ठीक है, पंजाबी गाना है तो सुनना है, सुन लीजिए। अरे यार तू चुपचाप वीडियो बनाना क्रिएटिन पे, क्या अपने गाने सुनाने लग गया है, चल बाद में सुनाना गाना एंड में। व्हाट्स अप, दिस इज दमन सिंह फ्रॉम सिक्स पैक, एंड आज हम बात करेंगे एक टॉपिक के बारे में कि क्या आप क्रिएटिन ले सकते हैं जब आप कटिंग पे होते हो, कटिंग आई मीन जब आप डाइटिंग पे होते हो। हमारे इंडिया में लोग, इंडिया में नहीं सब जगह ही मोस्टली करते हैं कि बल्किंग और कटिंग दो वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं, राइट, और जनरली ऐसा बोलते हैं कि कटिंग में क्रिएटिन नहीं लेना चाहिए बिकॉज क्रिएटिन इज फॉर बल्किंग। तो चलिए देखते हैं क्या है इसके पीछे फंडा। सो गाइज, पहले ही मैं आपको सब स्पष्ट कर दूं कि आप क्रिएटिन डाइटिंग के टाइम पे ले सकते हैं, यानी कि अगर आप कटिंग कर रहे हैं, अगर आप डाइटिंग पे हैं, वेट लूज भी कर रहे हैं, तब भी आप क्रिएटिन ले सकते हैं। इसका रीज़न क्या है, सबसे पहले आप जानने की कोशिश कीजिए कि क्रिएटिन करता क्या है, इसका मेन इफेक्ट क्रिएटिन का क्या है, जैसे आपको स्ट्रॉन्ग कैसे कर देता है लोगों को ये, इसका सेल वॉल्यूमाइजिंग इफेक्ट। सेल वॉल्यूमाइजिंग इफेक्ट सिंपली आप ये मान लीजिए कि आपको पता होगा कि पूरी बॉडी हमारी सेल से बनी होती है, राइट, मसल्स आर आल्सो मेड ऑफ सेल्स, तो उनके अंदर जो पानी रहता है तो उसको हाइड्रेट कर देता है, उसकी इंट्रासेलुलर जो फ्लूइड बोलते हैं जिसको हम, उसको बढ़ा देता है। सो जब इंट्रासेलुलर फ्लूइड बढ़ जाता है तो यू विल फील मोर स्ट्रोंगर, राइट, विथ क्रिएटिन। बेसिकली दो फ्लूइड्स बोलते हैं, एक इंट्रासेलुलर फ्लूइड होता है, एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड होता है, तो इंट्रासेलुलर फ्लूइड को बढ़ाता है क्रिएटिन, राइट, ये एक्स्ट्रासेलुलर जो बाहर सेल्स के बाहर वाला फ्लूइड होता है बॉडी का, उसको नहीं बढ़ाता है। ओके, तो जो लोग बोलते हैं कि क्रिएटिन खाने से ब्लोटिंग हो जाएगी, आप फूले हुए दिखोगे, ऐसा नहीं है, बहुत गलत है, बिकॉज इट हैज इंट्रासेलुलर वाटर इंक्रीजिंग इफेक्ट्स। जब ये पानी ड्रॉ कर लेता है सेल्स के अंदर, तो इसका इफेक्ट क्या होता है कि आप, दिस स्वेलिंग इफेक्ट विल रिजल्ट इन इंक्रीज ग्लाइकोजन स्टोरेज। तो जो आप कार्ब्स खाते हो वो ज़्यादा, उसकी ग्लाइकोजन स्टोरेज इम्प्रूव होगी, और एट द सेम टाइम प्रोटीन सिंथेसिस भी है, जो आपका प्रोटीन मसल यूटिलाइज करते हैं नया मसल बनाने के लिए, नए मसल फाइबर्स बनाने के लिए, वो भी इंक्रीज होगा। नाउ द थिंग इज, लोग कन्फ्यूज कर लेते हैं इसको वेट कटिंग से। फॉर एग्जाम्पल, जब आप कोई पावर लिफ्टिंग इवेंट पे हैं या बॉडी बिल्डिंग इवेंट पे हैं जहाँ पे वेट कैटेगरीज हैं, राइट, तो बिकॉज क्रिएटिन खाने से अंदर ज़्यादा आप पानी स्टोर करते हैं, दैट मीन्स आपका बॉडी वेट भी इंक्रीज होगा, तो वो उस टाइम पे वो कंपिटेटिव एथलीट्स हैं, वो पानी, वो क्रिएटिन छोड़ देते हैं बिकॉज दे डोंट वांट के एकदम से ज़्यादा पानी उनके अंदर रहे और वो वेट कैटेगरी में जंप हो जाएं। मान लीजिए पावर लिफ्टिंग खेल रहे हैं, 74 kg का वेट क्लास है और उनका आधा किलो वेट बढ़ गया, तो उनको तो नेक्स्ट कैटेगरी में कम्पीट करना पड़ेगा ना। या बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं, कोई वेट कैटेगरी से ऊपर बढ़ गया वेट, तो उनको अलग कैटेगरी में कम्पीट करना पड़ेगा, जो कि जितने हैवी कैटेगरी में जाएंगे आप उतना डिफिकल्ट हो जाएगा। सो एट दैट टाइम दोज गाइज डू नॉट यूज क्रिएटिन। तो वही गाइज जब आपको एडवाइस देते हैं, तो इसी से ये मिथ बनती है कि क्रिएटिन कटिंग के लिए नहीं यूज करना चाहिए। लेकिन अगर आप बेसिकली कोई कंपटीशन के लिए नहीं जा रहे हैं इस टाइम पे, अगर आप, आपका वेट भी जो लिमिट्स के अंदर है, मान लीजिए आप 74 kg आपकी लिमिट है पावर लिफ्टिंग की, राइट, या बॉडी बिल्डिंग की कोई भी, तो आप पहले ही 72 kg के हैं, या आप क्रिएटिन लेके कितना कर लेंगे, मैक्सिमम 72.5 हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको, राइट। तो जो लोग कोई वेट कैटेगरी वाला कॉम्पिटिशन नहीं खेल रहे हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, अगर वो कटिंग भी कर रहे हैं, डाइटिंग भी कर रहे हैं तो। सो आई प्रेफर क्रिएटिन इवन इफ आई एम कटिंग, एंड आई टेल माई क्लाइंट्स एज वेल। तो जब भी मैं अपने क्लाइंट्स को बोलता हूँ कि ओके यू कैन यूज क्रिएटिन नाउ इवन इफ यू आर डाइटिंग, सो दे आस्क मी कि सर क्रिएटिन तो मटर टेंशन बढ़ा नहीं देगा ये वो, मैं उनको समझाता हूँ लिख लिख के, तो मैंने सोचा इस पे वीडियो ही बना दूँ, बिकॉज इट विल हेल्प यू गाइज एज वेल एज माई क्लाइंट्स एज वेल। इसका फायदा ये होगा कि एक तो आप जब डाइटिंग पे होते हो, आप लो कैलोरी डाइट पे होते हो, राइट, तो आप लो कैलोरी में आपकी ये इंटेंसिटी को बढ़ा देगा क्रिएटिन अगर आप यूज करते हो तो। एंड क्रिएटिन अपने इफेक्ट जो है वो साथ ही में नहीं दिखाता है कि जैसे आपने एकदम से लिया, आज क्रिएटिन लिया तो आप आज आप स्ट्रॉन्गर होगे, कल अगर आपने क्रिएटिन नहीं लिया तो कल आप स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाओगे, ऐसा नहीं होता है। इट टेक्स अ पीरियड ऑफ टाइम
फॉर क्रिएटिन टू शो इट्स इफेक्ट्स. इट्स इफेक्ट आर नॉट लाइक कैफीन, कि अगर आपने कैफीन खाई या कॉफी पी बहुत स्ट्रांग तो आप स्ट्रांग फील करने लगे, ऐसा नहीं होता है. सो यू कैन टेक क्रिएटिन इन पीरियड्स ऑफ डाइटिंग. क्रिएटिन में मैं अलग से एक वीडियो बनाना चाहूंगा पूरी बहुत डिटेल में, लेकिन इस वीडियो में सिर्फ मैं ये डिस्कस कर रहा हूँ कि आप क्रिएटिन यूज कर सकते हैं इवन इफ यू आर ऑन अ डाइटिंग. That's it guys, I hope I cleared your confusion and hit thumbs up for this video and share if you want to, if you don't want to that's fine as well. तो अब मेरा गाना सुन लीजिए आप, अगर आपको सुनना है तो ठीक है, पंजाबी गाना है तो सुनना है सुन लीजिए. क्यों तू अखियां मिलाइयां, दो अंगूठियां क्यों पाइयां, की इरादे सी तेरे निकली तू बेवफा, झूठे वादे सी तेरे निकली तू बेवफा, तेरे गमा विच झूठ दी सुगंध कुड़िए, पहला प्यारी सी तू हुण नी पसंद कुड़िए, छड चले असी तेनू जा कोई होर ठग ले, हुण हंजुआ दे विचों तू प्यार लब ले, हुण हंजुआ दे विचों तू प्यार लब ले. थैंक यू.